आज जिंदगी में पहली दफा ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं बताया तीन साल से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं जी आप कमेडियन ना होते तो क्या सिंगर होते अच्छा इस फील्ड में मैं आया एज ए सिंगर था जी मैंने एक स्टेप पे पैर रखा मैं यूं करके हुआ तो पीछे से बंदे ने मेरी कमीज पकड़ ली मैंने यूं मैंने कहा यार कहता ये एक तस्वीर दे दे मैं कह यार बाथरूम जा रहा हूँ यार गर्दन होगी तो सरिया होगा ना लोग ये बात नहीं थोड़ी <laughs> थोड़ी झुकते तो थो चलेंगी ना आगात थोड़ी थोड़ी कि आपके अब्बा ने आपको घर से निकाल घर से निकाल दिया तो फिर मान गए सुला कैसे हुई वापस सीने से कब लगाया वेलकम बैक टू इर्जा खान पॉडकास्ट और आप लोग थंबनेल देख चुके हैं हमारे गेस्ट आज कौन है बिल्कुल वही है जिनकी आप बहुत अरसे से फरमाइश कर रहे थे कि आगा माजिद को बुला लें पॉडकास्ट में तो हम पहुंच गए आगा साहब के पास आगा साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नहीं इसमें इर्जा जी थैंक यू किस बात का आप मैं ऑनियर भी ये बात कह चुका आप मेरी छोटी बहन है आपका हक है तो आप जब चाहें आपके लिए दरवाजे खुले हैं तो मैंने आगा सब यहां के देखा है आपने तो पूरा एक मेहमान खाना बनाया हुआ है सारे इधर ही पाए जा रहे हैं ये अल्लाह पाक का करम है अल्लाह पाक ए, कि उस बात पे अमल कर रहे हैं कि अल्लाह बुजुर्गों ने कहा है अल्लाह पाक ने कि आप अगर, अगर अपने रिस्क में इजाफा चाहते तो अपना दस्तर खान वसी करो वो दस्तर खान है ये सब मलंगों का डेरा है सब दोस्त है बाप सब आते हैं खाते पीते और यहाँ हर बंदा अपने अपने घरों में खाता पीता है ये कोई दो राय तो है नहीं अभी आगा बड़ा तैयार नहीं, नहीं, तो <laughs> अच्छा, नहीं आप देखो ना शो में आती उस दिन, साड़ी क्यों आती है उस दिन कोई हारून साहब की मेहंदी तो नहीं होती वहाँ <laughs> दिल कर रहा होता है मेरा दिल कर रहा होता मैं अभी आई हूँ अंदर एंटर हुई हूँ तो जी आगा साहब ने धोती पहनी हुई है और आगा साहब बना रहे हैं खाना मजेदार किस्म का मटन आगा साहब ने बनाया मटन बनाया आलू गोश्त बनाया हाँ। साथ बॉइल्ड चावल आए है। और उसके साथ घी का रायता एक घंटा कैसे गुजरेगा और उसके साथ पुदीने और दही की चटनी है है। और खीरे सलाद ये वो सारा कुछ बड़ा तमाम किया आपने नहीं वो करना था अपने नाकते बंदे ने रखानी थी बरादरी <laughs>

तो मेरा ये शौक है कि दोस्त है बाप आए तो मैं हाँ। खुद बनाऊ खुद खिलाऊ हाँ। उस हवाले से वो फिर वो आदत सी पड़ गई है इस मामले में अकेला रह बारह तेरह साल हो गए लाहौर में हाँ। तो अकेला रह रहे, रहे के वो का खाना मैं बिल्कुल खाता नहीं बिल्कुल नहीं खाता हाँ। बट माशाल्लाह आपकी वाइफ बहुत लकी है मुझे लगता है बहुत लकी होती है वो खात जिन्हें किचन में नहीं जाना पड़ता नहीं नहीं वो जाना पड़ता मैं तो कभी कभार करता हूँ जाना पड़ता मैं इधर ना रह रही है आपके साथ नहीं है ना हाँ नहीं यहाँ नहीं वो हाँ। मुल्तान में मैं यहाँ तो यहाँ किराए का घर है डेरा बना हुआ है सारे इधर ही होते सारे सारे हाँ। ये आबिद है इधर अयुब मिर्जा साहब आबिद चार्ली ये सब दोस्त मेरे जो मेरे साथ काम करते हैं अजीम विकी मैं निचले पोर्शन नि में रहता हूँ ऊपर वाले पोर्शन में विकी रहता है तो वो कुदरती आज गया हुआ फैसलाबाद वरना वो भी यहाँ बैठा होता है आगा साहब आप गोलू मोलू से हैं स्वीट हैं कोई कभी मैंने तो आप में रूडनेस देखी हाँ कभी इंसान को गुस्सा आता है हर किसी को आता है लेकिन आपके बारे में ना ये बहुत ज्यादा ही मशहूर कर दिया गया है कि नहीं आगा माज़े तो बहुत रूड इंसान है उसका टेम्परेमेंट बहुत गुस्से वाला है क्यों आपने अपनी आ, ये इमेज मार्केट में फैलाई हुई है टैका रखने के लिए नहीं अल्लाह आल, जानता है मैं मतलब ये बात करता हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं हूँ पता नहीं क्यों लोगों ने ये मेरे बारे में बात फैलाई हुई है मैं बड़ा दरवेश सेफ्त आदमी हूँ किसी का दिल दुखा तो मैं ये कभी कभार मेरे साथ ये मेरे अः मिर्जा साहब मेरे सीनियर हैं बाकी मेरे सारे जूनियर इनसे कभी मेरी कोई तलख कलामी हो भी जाती है तो इनसे आप पूछ सकती हैं कि मैं इनसे बाकायदा सॉरी करता हूँ माफी मांगता हूँ कि यार अगर गलती हो गलती हो चलो मुझे गुस्सा आ जाता है ऐसी बात नहीं है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ बहरहाल मैं इसका यकीन दिलाने की कोशिश तो बहुत सारी कर रहा हूँ पता नहीं लोग क्यों नहीं मानते कोई या कोई चेहरा ऐसा है शक्ल ऐसी है कि लगता है कि जी बड़ा गुसीला आदमी है फिर लोग ये कहते हैं कि जी वो प्राउड है उसकी गर्दन में सरिया ऐसी कोई बात नहीं गर्दन है गर्दन होगी तो सरी होगा ना लोग ये बात नहीं समझ <laughs> थोड़ी थोड़ी झुकते तो चलेंगी ना आगा थोड़ी थोड़ी नहीं वो तो चलेंगी मैं अच्छा मैं कसम वाली बात है मैं ये इर्ज़ा जरा ना मेरी जिंदगी कोई मैं ना सवाल करेगी कोई मैं संजीदा तो जरा करके बैठ के ना मैं कहूँगा असल में हुआ पता क्या था, था। लेकिन वो कोई ऐसा दे तो अल्लाह करना तो बाकी शुरू हो गया अच्छा ज्यादातर कॉमेडी आपकी होती भी मेरे ऊपर ही है तो और क्या करूँ मतलब मुझे आपके साथ वो कंफर्ट लेवल फील होता है कि हाँ, मैं अच्छा, तो मैं <laughs> मैंने किए आपने की, है आप भी। की है। है फिर। लेकिन आपके साथ एक मुझे लगता है कि केमिस्ट्री जो है ना मेरी वो लोगों को बड़ी पसंद आती है जब मैं आपको पड़ोला कहती हूँ लोग एंजॉय करते हैं चलो जी करने दें लोगों को एंजॉय लेकिन यहाँ कोई संजीदा बात कर ले संजीदा बात बिल्कुल करनी है हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट भी ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा गेस्ट है उसको हम जरा खंगाले अंदर से जानने की कोशिश करें तो हम जाते हैं जरा बचपन की तरफ कि आप कहाँ पैदा हुए आप कितने बहन भाई थे आपका घर कैसा था आपके अम्मी अबू का मिजाज आपके साथ कैसा था अब इसमें पदाइश मेरी लाहौर 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 सुल्तान नहीं मैं पूरी सुनाता हूँ ना आपको बात पैदा मैं ग्वाल मंडी में हुआ अच्छा तो उसके बाद वालिद साहब मेरे यहाँ नौकरी करते थे ट्रांसफर हो गई मुल्तान अच्छा ट्रांसफर उस वक्त में हुई कि जब आखिरी वो अयाम थे कि रिटायरमेंट की तरफ जाना था तो हम सब लोग हम माशाल्लाह सात बहन भाई पांच भाई दो बहनें तो सभी आ, की पेदायश लाहौर अच्छा तो यहां से माइग्रेट करके हम लोग गए मुल्तान नाइस माइग्रेट करके जब मुल्तान चले गए तो वही वो रिटायरमेंट वाला सिलसिला हो गया तो उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि क्योंकि मेरे ननियाल मुल्तान से बिलोंग करते अच्छा, थे अच्छा 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 तो फिर ये फैसला हो गया कि अब

नहीं आज काफी बंदों का खाना आपने नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दुआ करें ये आप जाएं तो कोई और आ जाए हां थैंक यू चाय तो, के लिए भी नहीं तो उसके बाद जो है ना जी मुल्तान मैंने तालीम शुरू की तो ये जैसे लोग मुझे बड़ा प्राउड मानते हैं इसी तरह लोग मुझे ये भी नहीं मानते कि मैं इतना पढ़ा नहीं हूं मैंने पांच जमाते मुल्तान में मैंने बस पढ़ी उसके बाद हालात ऐसे थे कि पढ़ नहीं सकते थे तो फिर मुझे मेरे वाले ने टेलरिंग के काम पे डाल दिया मेरे एक भाई बचपन में मतलब छोटे पांच पांचवी जमात हाँ। मैंने पास की तो उसके बाद मैं टेलरिंग का काम सीखने लग गया ऑलरेडी मेरे एक भाई वो टेलर थे वो मैंने वो टेलरिंग का काम सीखा काम सीखने के बाद मेरे सबसे बड़े भाई हामिद साहब वो कुवैत होते थे तो फिर मेरा वो दूसरा भाई जो टेलरिंग का काम करता था वो भी कुवैत चला गया तीसरे नंबर पे फिर मेरी बारी आ गई उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी कुवैत आ जाओ मैं कुवैत चला गया अच्छा आप कुवैत भी रहे हैं कुवैत चला गया अच्छा। वहाँ फिर मैं पाँच साढ़े पाँच साल टेलरिंग का काम करता रहा लेकिन वहाँ मैं रुका नहीं कि वो मुझे रोकते थे मैं कहता था कभी मैंने उनको कह देना कि मुझे दिल की तकलीफ है मुझे ना सही मेरी दिल रात को धड़कता बहुत है दर्द होती है फलां होता है क्योंकि तो मैं हर तरफ से बहाने ढूंढ रहा था कि मुझे ये वापस कर दें मैं जाके ड्रामों में काम करूं ये मुझे इन्होंने यहां बुला लिया अच्छा तो, बचपन से आपको ये पता था ये, कि मुझे आ, ये करना है ड्रामाबाज बनना हां ड्रामाबाज नहीं बनना मतलब यही कहते हैं ना ड्रामा करने वाले को रामा बाज नहीं कहते ये बुरी बात तो एक दफा मैंने उनको कह दिया मैंने कहा जी मेरे ना इधर पेन होती है तो मुझे वो डॉक्टर के पास ले गए वहाँ एक सरदार जी एक डॉक्टर थे उन्होंने अच्छा। चेक किया उसने कहा जी दुनिया के किसी खत्ते पे ले जाओ इसको अगर ये तकलीफ निकल जिम्मेदार मैं हूँ मैंने कहा मुझे है फिर वो ना मेरा चला फिर मैं दर्जी का काम करता फिर मैंने अपने भाई को कहना शुरू कर दिया मैं क्या मैं सुई में धागा डालता हूँ मुझे सही नजर नहीं आता वो कितनी कितनी देर में सुई में धागा डालता रहता नजर नहीं आता धुंधला सा नजर आता है वो वो ये हो 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 गया मैं ये काम गया वो गया मैं कामयाब मुझे भेज भेज दिया भेड़ी दिया दफा हो जा, जा, जा। हाँ। पाकिस्तान आ गया यहाँ आके फिर छोटे मोटे ड्रामे शामे ये वो, मेरे भाई बड़ा मेरे भाई हामिद साहब वो फिर पाकिस्तान आए छुट्टी उन्होंने मुझे यहाँ फिर एक बड़ी लाविश किस्म की दर्जी की दुकान बना के दी उस दौर में सत्तर अस्सी हजार रुपए उस दौर में आज से बीस साल पहले पच्चीस साल पहले लगा के के करीब के जो दुकानदार थे वो देखने आए लेकिन क्या वो अच्छा नहीं समझते थे इस काम को इसलिए वो ऐसा कर रहे थे आपको रोकने के लिए नहीं वो कहते मैं, मैं आप, आप सब समझ जाएंगे आप अच्छा। मैं उसके बाद वो जब दुकान कर दी वो चार महीने यहाँ उसने छुट्टी गुजारी अस्सी सत्तर अस्सी हजार रुपये लगा के वो दुकान बनाई जब चार महीने के बाद उसने टिकट ओके करवाई वो वहाँ गया मैंने मेरा ख्याल है एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बीस हजार की भेज दी मैंने कहा मैंने ये काम करना ही नहीं वो उसकी वजह से कर रहा था कि वो सर पे हाँ। बैठा वो चले गए मैंने बीस हजार की दुकान भेज दी फिर ड्रामो की तरफ फिर यह फैसला हो गया एक वक्त ऐसा आया कि मेरे वाल साहब ने मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने कहा जी, अब इस घर में तुम्हारी गुंजाइश नहीं चले यहां से क्योंकि तुम थिएटर करना चाहते हो थिएटर करोगे तो वो तो जो जुमले कहते थे कि इन लोगों की हाँ, समय तो गए हाँ, हाँ, लोगों को क्या बताऊं कि हाँ। मेरा बेटा किन लोगों वाला काम करता है ये करता है। निकाल दिया घर से उन दिनों में भटकता फिरता था तो तो पनाह किसने दी दोस्तों ने दोस्तों ने ऐसे कभी किसी के पास कभी हाँ। किसी के उन्हीं दिनों में एक इतफाक ऐसा हुआ कि मुल्तान सलीम अल बेला आ गया ड्रामा करने वो अभी वहीं ड्रामा कर रहा था नासिर चिनोटी आ गया ड्रामा करने अब वो ये भी तीनों परदेसी थे लाहौर से यहाँ मैं वहां हमने फिर एक पंद्रह सौ महीने का किराए के घर लिया उसमें पांच सौ पांच सौ पांच डाल दे दे के किराया देते थे मैं सलीम और नासिर चनियोटी तीनों वहां रहते थे, थे खाना वाना मैं बनाता था ना सलीम ने सफाई कर लेनी बर्तन धोने और वो बताए थे आप ठुड्डे मार के उठाते थे हाँ, हाँ ऐसे ही बर्तन धोने उसने सलीम अलबेले ने सफाई कर लेनी मैंने हांडी बनानी ये वो ऐसे मिल मिला के कपड़े शपड़े धोने सब कुछ करना तीनों हम छह साल हम लोग एक ही घर में अ उकराई के घर में बड़ा लंबा टाइम एक एक ही जगह पे उसके बाद मेरे वाले मेरी सिस्टर एक या साईवाल उसकी शादी हुई तो नासर का मेरा बहुत ज्यादा क्लोज आ गया आपको एक बैंक भी लगेगा जाके के नासर को उन्होंने घर बुलवाया के हम इसकी शादी करना चाहते है तो ये हमारी बात नहीं मानता सिर्फ तुम्हारी बात मानता है तो इसको बोलो कि शादी कर ले। उनके घर वालों ने, ने नासिर को बुलाया अच्छा अच्छा ओके। तो नासिर ने उनको कहा जी आप तैयारी करें वो शादी करेगा अच्छा वो कह के उनको आ गया मेरे पास उसने आगे कहा मुझे इसलिए बुलाया था बाजी ने तो बाजी ने मुझे ये कहा अबू ने मुझे ये कहा तो जो जैसे दोस्त गालियां वाली दे के कहते हूं तू ऐ ना करी थे ओ ना करी मैं ओदा नाल डन कर रहा है तू शादी कर मैंने कहा ठीक है यार मैं शादी कर तो लड़की कहां लड़की तो भी देखी नहीं बस हामी भरी है अभी पहले उसको मनाओ हाँ, तो सही है ओके उसके बाद फिर वो निकल पड़े घोड़े निकाल के तो लाहौर की तरफ उन्होंने रुख किया यहाँ उन्होंने ये जहाँ मेरी शादी ये रिश्ता मिल गया ये लोग हैं okay. तो दो महीने के अंदर अंदर हुँ. मेरी शादी हो गई शादी के बाद फिर अः वो हो गई दो महीने उसकी शादी तो उसके साथ ही बिल्कुल नासिर की शादी हो गई नासिर की शादी मेरी सिस्टर के साथ हुई हुँ. तो वो आपको इतने अच्छे लगे कि आपने अपनी बहन के लिए उनको चूज कर लिया मतलब लोग बहुत देखभाल के रिश्ता करते हैं अपनी बहन नासर का नासर मेरा जाना पहचाना मेरा भाई है वो उसके वो मतलब उससे मेरा ये ताल्लुक ये रिश्ता नहीं है लेकिन अल्टीमेट नासर बहुत अच्छा पाया आपने बहुत अच्छा तो ये हो गया उसके बाद वहां स्ट्रगल करते रहे तीनों ने बड़ी दे 6 साल एक घर में रह के एक जगह पे रह के काम करते रहे बड़ा कुछ उसमें फिर दोस्तों में तब तक सिर्फ मुल्तान में लोग जानना शुरू हुए थे या पाकिस्तान में नाम क्योंकि रिलीज होता था ड्रामे का ये एक सिस्टम था ना कोई और ऐसी चीज थी तो वो करते करते फिर हम लोग जो स्ट्रगल थी ना भी छह साल के बाद लाहौर की तरफ मूव कर गया सलीम अल बेला लाहौर आ गया फिर मैं अकेला मुल्तान रह गया अः उसके बाद थोड़ा सा काम करने के बाद फिर हमारे आफ्ताब इकबाल साहब उन्होंने सलीम अल बेला भी उनके पास आ गया गरीके रहमत कर मानोला साहब तो उन्होंने ऐसे बात की कि यार एक अच्छा आर्टिस्ट हो कॉमेडी भी करे कैरेक्टर भी करे ये तो सलीम अल बेले ने उनसे कहा कि जी मुल्तान में मेरा एक दोस्त है ना खबर नाक के लिए आगा माजिद तो आप उनसे उसको रब्ता करें वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है कॉमेडी भी करता है ये वो उसने उन्होंने जी बुला लिया आपको तो आप तो सामने मेरे साथ रब्ता है वो कुदरती उन दिनों में मेरा एक वीडियो रिलीज हुआ था मैडम नरगिस के साथ बहुत हिट ड्रामा आ, ये भी एक कहानी है ना वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रही थी लाहौर में कोई ऐसा भी कुछ हुआ वही वही मुझे लेके आई थी लाहौर हाँ। उन्होंने मुल्तान मेरे साथ ड्रामा किया तो वो मुझे एक दिन मैं अपने कमरे में बुला के कहती कि कितने अरसे से आप अर्से काम कर रहे हैं मैंने कहा बड़ा अर्सा मुझे कहती आप लाहौर में काम करें आप तो मुल्तान के आर्टिस्ट हैं नहीं मैंने कहा मैडम आप कह रही है ना लाहौर में मैं जाऊँगा मुझे कौन काम करवाएगा लाहौर में बड़े उन्होंने कहा मैं तुम्हें काम करवाऊंगी मेरे साथ चलो मैं उनके साथ फिर लाहौर आया फिर उन्होंने मुझे यहाँ काम भी करवाया बड़ा तो मेरे साथ बड़ा खुद बहुत सारे ड्रामे किए कैसी इंसान है, क्या, क्या, बात है। क्या बात है अच्छा क्या बात है मेरा तो खैर उनसे एक फैमिली ताल्लक है मैं तो उन्हें अपनी बहन कहता हूँ वो मुझे भाई कहती हैं तो अल्टीमेट बहुत ही आला खातून जिसे कहते हैं ना गरीबों का ये वो ख्याल रखने वाली औरत तो अब देख ले मेला उन्होंने छोड़ा है अभी उनके पास बड़ा काम था बड़ा वक्त था लेकिन उन्होंने कहा बस अब मैं इतना ही काम करूंगी तो उनके साथ में लाहौर आ गया ज्वाइन कर लिया फिर मैंने खबरनाक ज्वाइन किया आफ्ताब साहब के साथ ये तेरह साल पहले की बात है तेरह साल लाहौर का होके रह गया लाहौर है या मैं हूं अभी यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता लेकिन आगर साहब टीवी और थिएटर दोनों में बड़ा फर्क है आप दोनों को साथ लेकर चले कैसे नहीं थिएटर का इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बहुत मुख्तलफ़ हैं काम के लिहाज से भी वक्त के लिहाज से भी लेकिन ऑडियंस के लिहाज से भी यहाँ से आपको फॉरी रिस्पॉन्ड आपने जो करना है ना जी एक लम्हे के बाद वो क्लैप की सूरत में लाफ्टर की सूरत में वो आपकी तरफ है तो टीवी जो है वो हमारा उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है कि जी रेटिंग आएगी हमें ये होगा लोग नीचे कमेंट्स करेंगे तो क्या है अच्छा है बुरा है यो लेकिन मैं थिएटर में थिएटर नहीं छोड़ सकता थिएटर इसलिए नहीं छोड़ ये नहीं के, के कोई मतलब ऐसा थिएटर इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि सारी सहेलियां जो दोस्त जितने भी थिएटर से मुंसलिक जो हमारे साथ टेलीविजन नहीं करते अब टेलीविजन पे आ, मतलब मैं हूं सलीम है जो हम पल्ला हम असर लोग जी। तो उसमें उसकी मुलाकात थिएटर में ये होता है कि रात को दस बारह दोस्त जिनमें मेल भी फीमेल भी सारे वो डेली की बुनियाद पे जो घंटा डेढ़ घंटा थिएटर पे गुजारना ना वो ऑक्सीजन उससे बंदा जो है ना जी अगले दिन के लिए काम के लिए बड़ा फ्रेश हो जाता है मजाक हंसी खुशी बैठे चाय पानी ये वो इस वजह से और ऐसा कोई थिएटर का ये नहीं थिएटर मेरा इसलिए मैं कहता हूँ ओपनली बात करने लगी हूँ आगा साहब इसका जैसे भी आपको मुनासिब लगे जवाब देना ये जो आए रोज हम देखते हैं कि थिएटर को लेके फहाशी पर बातें नोटिस आ रहे हैं ये वो आप खुद थिएटर करते हैं आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या बहुत ही बुरा माहौल होता है वहां पर नहीं देखें मैं इसके लिए मैंने बहुत उनको भी चाहिए इसका रिएक्ट करें अगर तो बुरा हो रहा है थिएटर देखने वाले लोगों को रिएक्ट करना चाहिए इसका कि कोई गलत बात करता है गंदी बात करता है ये कहता है तो उसको किसी को हॉल में से भी किसी को कहना चाहिए कि यार ये क्या आप लोग कर रहे हैं इसको तो नहीं ऐसा करना चाहिए, हाँ चाहिए।, चाहिए। इंजॉय कर रहे होते हैं इसके मैं खिलाफ हूँ खुद भी ये बात करता हूँ थिएटर को थिएटर रहने देना चाहिए थिएटर को खूबसूरत थिएटर है हम चाहते हैं कि हमारी माए बहने बेटी अब हम मेरे लिए थिएटर इसलिए भी थोड़ा सा आ, मुश्किल हो गया करना कि जो एक ट्रेंड चला हुआ थिएटर के बारे में टेलीविजन स्क्रीन से उस स्क्रीन की वजह से मैं लोगों के घरों में चला गया हाँ। लोगों के ड्राइंग रूम में चला गया, बेडरूम में मुझे बच्चे मियाँ बीवी हमारी बहन भाई बैठ के टेलीविजन पे देखते हैं कि जी करते हैं मेरे शो को अब जब इस किस्म का कोई मेरा वीडियो कोई छोटा मोटा क्लिप अः फेसबुक उस पर सामने आता तो फिर वो थोड़ी सी शर्म आती है अच्छा नहीं लगता लेकिन आला साहब मैं इस पे ना थोड़ा सा मुख्तलिफ अपना ओपिनियन रखती हूँ देखिये दुनिया भर में कॉमेडी शोज होते हैं और वर्लगर कॉमेडी शोज भी होते हैं और फैमिली कॉमेडी शोज भी होते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए जरूरी नहीं है कि आपके हर थिएटर शो में माए बहने देखने आए भाई माए बहने वो वाले थिएटर शो जाके देख लें जो साफ हैं इसी तरह जैसे स्टैंड अप कॉमेडी है उसकी एक खास ऑडियंस है और उसकी वीडियोस बाहर नहीं निकलती वो टिकटेड शोज हैं और वो खास तौर पे एक ही क्लास देखने के लिए जाती है तो आई थिंक थिएटर में ये कैमरास बंद कर देने चाहिए उनकी वीडियोस बाहर नहीं आनी चाहिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस जो देखना चाहती है वो देखे जाके बिल्कुल सही बात ये मैं आपकी बात से को आगे बढ़ाता हूँ ये मैं बात कर चुका हूँ कि हमारा वीडियो जो अब कोई ये नहीं है कि लाखों करोड़ों में वो वीडियो जाता है बड़े नॉर्मल से चार्जेस है वीडियो के जो लोग परचेज करते हैं वीडियो को बिल्कुल आके उसे शूट करते हैं ना वो पैसे दे के ले जाते हैं ले उसको जा। रिलीज करते हैं अब हो क्या गया कि पहले होता था कि सीडीज की शक्ल में वो बेचते थे अब वो सिस्टम खत्म हो गया अब हो गया ये कि वो छोटे छोटे क्लिप पहले तो चढ़ाते हैं यूट्यूब पे उसके बाद वो पूरा ड्रामा जो है वो छोड़ अब मैं आ, आप कभी देख लें कि ड्रामा ए, होता क्या है कि आज रात को उन्होंने मिसाल के तौर पे दस बजे उसे अपलोड किया है ड्रामा छोड़ दिया बिल्कुल ठीक वो मैंने आई बटनस मैंने मैं इससे किसी से पूछी बात नहीं कर रहा मैंने खुद देखा कि मैंने दो घंटे के बाद वो वीडियो जाके देखा है, तो वो एक लाख अस्सी हजार एक लाख नब्बे हजार तीन लाख चार लाख पांच वो सुबह तक आप उठो तो वो वन मिलियन लोगों ने देखा वो देखा हुआ होता है वो उनको सीडीज भूल गए वो जो पच्चीस रुपए की बेचते थे ना तोड़ दिया उन्होंने वो काम अब उन्होंने ये पकड़ लिया अब ये है घर घर जाना हमारी हाँ। माए बहनें भी देखती हैं बेटियां भी देखती हैं बुजुर्ग भी देखते हैं अच्छा तासुर नहीं जाता नहीं जाता होता क्या है करने वाले एक दो हैं मारे सारे जाते हैं कि जो जिस आर्टिस्ट के साथ खड़ा होके एक आर्टिस्ट मैं किसी के साथ खड़ा होके गंदी बात करता हूँ वो बेचारा खां खा के साथ मारा जाता है जी वो दोनों थे चाहे उसने ना हो वो करता भी नहीं वो सिर्फ मुझे देख रहा होता है यूं करके हाँ। तो कहते हैं ये आगा माजिद था और वो गंदी बात मैंने की है मारा वो क्या हाँ। या उसने की है मारा मैं गया ये अब और एक दूसरा ये कि थिएटर्स जो वो गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा लाइसेंस इशू कर दिए नवा में मंडिया लग गई मंडियां लग अब वो जो क्लिप आता है वो आता है एक वो जिस इलाके का नाम भी नहीं लोग अच्छी तरह जानते वहां का वो क्लिप है किसी ने हॉल में बैठ के वीडियो बनाया हुआ एक लड़की का उसे अपलोड कर दिया अब वो जब इंतजामिया ने देखा तो वो कहते हैं ये थिएटर में ये हो रहा है अब अल्फला थिएटर पे मैं रेगुलर काम करता हूं मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मैं अपनी बहन को अपनी माँ को अपने साथ बिठा के वो डांसेस दिखा सकता हूँ जो वहां होते हैं। वो वोवलगढ़ नहीं है जो इंतजामिया तक जो गवर्नमेंट तक वीडियो क्लिप गए हुए वो पता ही नहीं कहाँ के हैं यहां तो बीस दिन बाद इक्कीस दिन बाद ड्रामा चेंज होता है ना जी हाँ जी तो चार पांच लाख रुपया सेट पे लगता है जो चेंज होता है इक्कीस दिन बाद वो उखाड़ दिया जाता है दूसरा सेट पहले जी एक डेरा लगा हुआ है पहलवान का डेरा है बदमाशों का डेरा वहां बैठे हुए उसके फौरन बाद राइटर ने लिखा जी एक खूबसूरत लेविश किस्म का ड्राइंग रूम है ठीक है जी एक सेठ है उसकी एक बेटी है दो बेटे हैं बेटे अमेरिका में पढ़ते ही उस किस्म का सेट यानी विंडो एसी तक लगा हुआ है सेट पे जैसे हमारे टंकी में चीजें हो रही होती फ्रिज पड़ा हुआ है और किचन बना हुआ है ऐसा अब ये सारे सेट लगते हैं और वो जो वीडियो रिलीज होता ना वो पीछे ये पर्दे लटके हुए चादरें लटकी हुई है किसी को समझ नहीं आती कि ये कहाँ का ड्रामा है ये क्या बार होना जो गवर्नमेंट चाहती है जो हमारे यहाँ ड्रामे की पोजीशन है जो कुछ हुआ उससे हमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं ये है वो चाहे गिर्दो नवा में हो रहा है या हमारे यहाँ हो रहा है आ, उसका नाम तो थिएटर ही है ना कहा तो थिएटर जाता है इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको आ, जो कुछ पिछले दिनों हुआ ये होना चाहिए था तो आगा साहब फिल्म्स भी आपने की हैं और बहुत अच्छी फिल्म्स की हैं। अलहमदुल्ला क्रॉस बॉर्डर एक्टर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा जो भारतीय हमारे फनकार हैं उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस ये रहा कि ये सच्ची बात है यानी कि उनकी कोई तारीफ में ये जुमले कहूँगा या उनको कोई बड़ा चढ़ा के बयान करूँगा वो सच्ची मुची बड़े अच्छे लोग हैं बड़े प्यार वाले लोग हैं बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि उनके साथ काम करके ना एक तो आ, हमारा टोटल जो रहन सहन खाना पीना ओढ़ना बिछन लिबास तक एक जैसा एक जैसा हाँ। तो वैसे ही वो बात करते हैं पाजी की हाल हाँ। है घर भर पाजी सारे ठीक सी हां पाजी बच्चे ठीक है भाभी सारी ठीक है पेंशन भी ठीक है ते अम्मी अब्बू साथ सारे राजी है पाजी सारे वो लगता नहीं है कि हम लो कहीं लोग कहीं डिफरेंट लोग हैं डिफरेंट लोग हैं वो घुल मिल जाते हैं बड़ा प्यार मोहब्बत तो और उनके लिए मैं सबसे बड़ी बात जो करता हूं ना जी हमारे मे हमारे ये है कि एक आर्टिस्ट ना जी वो एक्ट कर रहा है काम कर रहा है फिल्म में कर रहा है तो उसने मतलब दूसरे कैरेक्टर से पानी मांगा तो उसका एक गिलास पानी देना वो काम क्या कर रहे हैं वो पाज एक गिलास पानी तो देना वो एक्ट नहीं कर रहे वो नेचुरल हाँ, काम करते हैं जो उनके पास जो है ना वो ही कर रहे हैं कि बा, 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 तो 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 को ओ, फलानी चीज है कि देना मैं, मैं, हाँ है जरा मैं हमारे जो वो पंजाबी फिल्म मैंने मैंने अभी सैयद नूर साहब की फिल्म की अभी मैं उनकी दूसरी फिल्म कर रहा हूँ ललकारा सिंह में कर रहा हूँ अभी तो उससे पहले बाजरे दी राखी मैंने की दोनों ललकारा सिंह में बड़ा अच्छा रोल है मेरा यहां मैंने जितने लोग दे वो हम लोग एक्टिंग करते हैं वो एक्टिंग नहीं करते उसी दा, दा, जो जैसे बैठे हुए हैं ना जैसे हम लोग आपस में रूटीन में बात मैं अब भी बात आपसे कर रहा हूँ तो एक्टिंग में कर रहा हूं बात यू यू ये, ये। आम रूटीन में कब करता हूँ ये सारा कुछ ये ऐसे जी ये होगा तो वो होगा तो नहीं होता ये में और उनमें ये फर्क ये आ गया है बिल्ट इन आ गया है हमें जैसे ही कैमरा ऑन होगा तो हम थोड़े से ना फॉर्मल एक्टिव हो जाएंगे हाँ। तो ये ऐसे करके अच्छा असल में बात पता क्या है कि हाँ। वो नहीं ये करते वो हाँ। जो कुछ कर रहे होते हैं ना वो नेचुरल कर रहे होते हैं कि और सबसे बड़ी बात ये कि आप उनकी फिल्में उठा के देख लें बिला शुबा किसी खौफ खतर के बगैर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो देख सकते फिल्म देख सकते हैं कि ये नहीं है कि हीरो हीरोइन उन्होंने पकड़ा हुआ है आप हाथ और खेच के यूं और वो फला ऐसे कुछ नहीं वो हमने भी उनके साथ काम किया तो यही कहते हैं कि पाजी तुम बड़े वधिया आर्टिस्ट हो तुम भाजी बड़े मजेदार तुम बड़े वे भाजी कॉमेडियन हो लेकिन भाजी गल करनी है जी अस अपनी मां भैन देख सकी

तो वो उनकी चढ़दा पंजाब की पहली पंजाबी फिल्म है जिसने सौ करोड़ से ऊपर बिजनेस किया हम्म सौ करोड़ से ऊपर बिजनेस है उसका हम्म तो हमारे यहाँ की जो पंजाबी फिल्म्स हैं वो क्यों नहीं टारगेट कर पा रही ऑडियंस को वो तो हमारे यहाँ की पंजाबी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रही हम ग्लोबली दुनिया में लेकर क्या ही बात करेंगे नहीं तो नहीं हाँ। डिफरेंस क्या है काम करने में क्या डिफरेंस है हम कहा लैक कर रहे हैं नहीं हम दुनिया के लिए बना ही नहीं रहे हम तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद देखने के लिए डायरेक्टर जो है ना जी प्रोड्यूसर पैसे लगाता है डायरेक्टर अपने लिए फिल्म बनाता है तो उसे क्या फायदा है जब चलेगी ही नहीं फायदा? के से आपको क्या पता उनको क्या क्या फायदा है

जब मैं ये सोचता हूँ यार भाई है इन्हें मैंने कड़ा को, को, पैसे देने ने, ने, ने तो परे कर के, कर के या इन्हें मैंने कड़ा को छो पर भुगताओ इंज करके करके पास करो तालुक इंसान का यहाँ हुआ ये है कि प्रोड्यूसर आ गया वो नया है पुराना है उसको एक दफा तो छील दो पकड़ के ताकि वो आगे से वो भी तोबा कर ले तोबा करे जरूरत ना करे पैसे नहीं लगाने मैं कहता हूँ कि उसकी प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को वो ऐसा होना चाहिए कि आपके पास अगर वो उसको नुकसान बराबर हो जाए ना कि वो हाँ उसने एक मिसाल के तौर पे आठ करोड़ दस करोड़ रुपए फिल्म पे लगाया ठीक है जी तो उसका बीस लाख रुपया नुकसान हो गया बाकी उसको आगे वो पंद्रह दिन बाद फिर फिल्म शुरू कर देगा कि यार ये अभी मैंने कोई नहीं पच्चीस लाख नुकसान हुआ हो सकता है अगली में पचास बज जाए जी बनाते हैं। तो जब उस बेचारे को छुटते ही पांच करोड़ का नुकसान, नुकसान होगा नुकसान होगा तो क्यों आएगा वो दोबारा इंडस्ट्री में क्यों आएगा नहीं नहीं <laughs> ही नहीं करेगा नहीं करेगा उस हिसाब वो लोग बड़े वो करते हैं कैलकुलेटेड और काम के मामले में यहाँ आर्टिस्ट को मुझे बात उनकी याद आ गई यहाँ आर्टिस्ट को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सुल्तान रही साहब सोने नहीं, नहीं दिया यहाँ से निकले वहाँ वहाँ से निकले वहाँ वहाँ से निकले। इतनी फिल्में कर रहे थे वो एक ही हाँ। मैं, मैं मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ कि बिल्कुल मतलब वो ये था कि दो दो घंटे दिए उन्होंने फिल्म वालों को कि मैं दो घंटे आपके पास हूं दो उधर हूं दो उधर हूं दो उधर हूं अब दिन में बारह घंटे हैं, तो छह अल्लाह। ऐसे वो काम कर रहे थे कि कि मैंने उनको ये देखा चलते चलते यूं। चलते चलते जाते मतलब उन्होंने कुर्ता चेंज किया कि अगले सेट पे मैंने कौन सा पहनना वो चलते जा रहे हैं पहले वाला कुर्ता उतार के लड़के को पकड़ाया है अगले सेट पे जो कर... कुर्ता पहनना है वो पहन लिया और चलते जा रहे हैं अगले सेट पे वहां जाके बिग रखी है तो दूसरी उतार दी वो मुंह उतार दी बोल गाली वहां गए हाँ। मैंने उनको ऐसे देखा है अब ये उन उनमें ये बात नहीं है यहाँ आर्टिस्ट को मजदूर पेंट कर दिया कि आपके हथे चढ़ गया ना हमने जुमला क्या है महाराज तुम पैसे नहीं देते दे। अल्लाह वास्ते से काम कराने अब पैसे वो भी देते हैं बड़ी हैंडसम अमाउंट देते हैं नासिर और हम लोग रात को दोस्त चार सारे बैठे हुए थे जागते रहे जी बड़ा मुझे सुबह अर्ली आठ साढ़े आठ बजे का टाइम था चले गए लोकेशन पर पहुँचे फ्रेम बनाया देख के डायरेक्टर को बुलाया कैमरा मैन ने देखा डायरेक्टर को बुलाया उसने देखा, देखा। फिर देख इधर उधर ये उसने कहा पैकअप

लेना देना हाँ। जो कुछ भी है सब कुछ आपका गया लेकिन उसने ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसलिए कि पिछले सीन के साथ वो कह रहा है जी वही कंटिन्यूटी का सीन है वो मैच नहीं कर रहा आपका वहां चेहरा हो रहा है यहां चेहरा हो रहा है तो हम कल कर लेंगे और यहाँ पर जी दो दो घंटे हर पे हो रहे हाँ जी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गाड़ी में वो सोए हैं कि जी सीन वो चेंज हाँ। कर रहे हैं थोड़ा सा ये सोफा उधर उठा के वो इधर वो टेबल यहाँ तो वो सक, उस पर लेटे हुए जान सीन रेडी है उन्होंने कहा हाँ जी आओ जी उठ के फिर शुरू हो गए यहाँ आर्टिस्ट को मजदूर पेंट कर दिया हम लोगों ने कि हम, हम मजदूर है और जी पैसे देने काम करो वहां उन लोगों के साथ आप काम करें वो आपके मूड के साथ चलते हैं। पाजी, मूड है तो कर लेने आप सिगरेट पी रहे हैं बैठे हैं आप चाय पी रहे बैठे हैं तो वो खुद ने कहेगा असिस्टेंट कि भाजी करिए एक मिनट यार कर दे चाय चाय पी फिर उसने दो एक दो दफा ये करने के बाद उसने डायरेक्टर ने कहना

वो जबरदस्ती काम नहीं करवाते। आह इसीलिए उनका प्रोडक्ट भी निखर के सामने आता, के आता, है।, सामने आता है। वो पूरा और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हर चीज जो है ना उन्होंने वो आपकी कि आप रात अब लंदन में रहे तो शूट खत्म करके आप आए उनको पता है कि ये इतनी देर में कपड़े छपले तार ये फ्रेश हो जाएंगे। उतनी ही टाइमिंग में उसने आके आपका दरवाजा नॉक किया खाना ले लें आपका खाना आ गया कमरे में आपके फ्रूट पड़ा हुआ है खाना पड़ा हुआ है चाय ये एवरीथिंग सब कुछ जो आपको चाहिए वो हर चीज आपके पास ठीक <laughs> है आपने न, सुबह दस बजे शूटिंग पे जाना उनको पता है कि एक घंटे में ये लोग तैयार हो जाए नौ बजे उसने आपका दरवाजा नॉक करना है कि पाजी उठ जाओ नौ बज गए पाजी ते इतनी देर जब आप तैयार हो जाएंगे ते आप चले गए नहाने के लिए उसने आपकी जो बंदा उन्होंने छोड़ा हुआ उसने आपकी हर चीज रेडी कर दी भाजी आती कपड़े कंटिन्यूटी पानेटीन उठी वाली शर्ट है वाली टाई है जितनी देर में आप नहा के निकले उतनी देर में उसने सब कुछ रेडी किया हुआ यहाँ खुद ही करना पड़ता है वहां सब कुछ वहां जो यहां जो लड़का साथ काम करने जाता है ना जिसको उसको खुद जगाना पड़ता कि यार आजा मैं तेरे इंतजार में बैठा है मैं छोटे जाना तू सुता पे हुआ है सुबह आज ही हुआ है अच्छा। मुझे पता था कि आप लोगों ने आना वो इमरान लड़का जो मेरे पास हाँ का उसको मैंने उठाया मैं <laughs> उठ और रात मैंने उसको जो काम कहे ना <laughs> इमरान ऐसे सुबह सोचो भाई तू तू सवे उठोगे तो होया सब कुछ <laughs> मैं जब सुबह उठा तो वहां वो लेटा हुआ पराठे मार रहा था हर हर मैंने उसको उठाया मैं तू तो कहना सारा काम होया जाएगा आगे से फिर ये नहीं है कि भी कोई एक्सक्यूज है नहीं भाजी होना है देखो एंज हो जाए बस पाकिस्तानी कॉम हमें हाँ, उसको मैंने उठाया ये। अच्छा फिर... आगा साहब आपने, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके अब्बा ने आपको घर से निकाल घर से निकाल दिया तो फिर मान गए सुला कैसे हुई वापस सीने से कब लगाया ये आज जिंदगी में पहली दफा ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं तीन साल से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे मैंने कभी अपने सेट पे भी ये बात नहीं की वो ये मैं पहली दफा आपके इसमें कर रहा हूँ कि ये एक बड़ा अजीब सा आ, इसे वाकया कह लें ये कि मेरे वाले साहब हमारी जो कैटरिंग की दुकान थी जो ऑफिस बनाया हुआ था अब्बा जी का ये रूटीन थी कि वो सुबह बिल्कुल जहाँ हमारा घर था उससे मतलब दो मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आ, हमारा घर था और बाहर वो ऑफिस तो उनकी रूटीन ये थी कि सुबह उन्होंने नमाज पढ़नी नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने आ, वो खोल के तो वो कुरान पाक वहाँ बैठ के पढ़ते थे ऑफिस में तो ये बाद में जब वो सारी बातें हो गई तो मैं फिर मुझे बताया गया कि क्या वजह थी तुम्हें घर बुलाने की तुमसे सुलह सफाई करने ये वो कहते हैं कि मैं सुबह सुबह ना कुरान में पढ़ रहा था तो हमारी ना वो ऑफिस जो था ना वो बिल्कुल कॉर्नर पे जो रोड था ना उसके कॉर्नर पे वो था ऐसे बना हुआ था कॉर्नर पे वो था तो उसके दरवाजे भी दो थे एक साइड पे दूसरा बा, हो जाते थे से वो कहते कि सुबह मैं जब कुराने में पढ़ रहा था ना तो एक बुजुर्ग इतनी इतनी सफेद दाढ़ी धोती और कुर्ता ये उनका लिबास था कहते वो अंदर आए हैं तो आके मुझे कहते कि तो कहते मैंने उनको देखा मैं होता ये था कि भाई वो कैप्टन का काम था तो कि लोग लोग आते रहते हैं ये हाँ। ये था कि ये जो टाइमिंग थी ना जो सुबह वाली कि इसमें ये होता था किसी का खुदा ना रात को कोई फौत हो गया हाँ। उसे कहा सुबह सुबह जाएंगे वो दरिया ले आएंगे वो चादरें ले आएंगे ये ले आएंगे उन्होंने कहा कोई इसी किस्म का कोई मतलब उन्होंने फौरन कुरान मजीद कुछ देर के लिए बंद करके तो उन्होंने कहा जी बैठो वो कहते वो मुझे कहने लगा कि माजद तेरा पुत्र है हाँ जी मेरा अब बब्बा जी ये कहते कि भाई जब उसने ये कहा ना कि माजद है मैंने कहा सुबह सुबह कोई शिकायत क्योंकि थे तो ऐसे ही ना हाँ। हर वक्त कोई ना कोई शिकायत उसको छेड़ दिया उसको जुगत कर दी हाँ। उससे लड़ पड़े उससे ये कर वो कहने लगे मेरे जहन में आया कोई कुछ शिकायत ਉਨਾ ਗਾਜੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਹਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੈਨ ਲਗਾ ਮਾਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਮ ਮੈਂ ਗਾਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਲੋਕਿਆ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆਓ ਹਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕਰੋ ਹਮ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹਮ ਉਹ ਆਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

इधर उधर देख के वो किधर चले गए कौन थे ये वो बस वो कह के चले गए फिर मैंने मेरे बड़े भाई से कहा कि यार ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग टाइप थे तो उन्होंने मुझे ये आके कहा उसके बाद मैं बाहर निकला तो वो गायब तो थे मुझे मेरे। फिर वो मना ना के घर ले आए उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने कर्म कर दिया को बुजुर्गों की दुआएं वो पता नहीं कौन थे उनके लिए लेकिन फिर आप, आपके अब आप से खुश रहे खुश रहे? ऐसे वैसे? खुश रहे रहे ऐसे ये ये बड़ी अजीब सी बातें हैं ये। वो लेकिन अच्छी बात है हाँ। कि कोई रिग्रेट तो नहीं रहा ना आपकी जिंदगी में याद करना भी जो है ना वो अब अब याद भी आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो बड़ी बड़ा तकलीफ दे मरहला ये बोल ये अच्छा आप कॉमेडी करते हैं आगा साहब तो कोई एक ऐसी चीज है कि आपने अपने आप को लिमिट किया हुआ है कि इस पे आके मैंने कॉमेडी नहीं करनी इस बात के बारे में मैंने कोई मजाक नहीं करना नहीं उसमें देखें हमारा हमारे शो का भी एक, एक एसओपी है हमारे एक और अपना सेल्फ सेंसर जो है बंदे का उसमें भी मैं भी उसके उस पे پابंद हूं कि कॉमेडी जो है वो मतलब ना तो आ, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जिससे दूसरे बंदे की दिल आजारी हो कॉमेडी बहुत सारे लोग करते हैं कि म, डिसेबल पे भी कर देते हैं बात म, एक आंख से बेचारा माजूर है उस पर बात कर दी एक बाजू से माजूर है उस पर बात कर दी ये चीजें जो है म, मैं इन चीजों से बड़ा अवॉइड करता हूँ कि किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए कि लोग इसे इंजॉय करें कि मैं एक बंदे को टारगेट करके उसकी माजूरी पे उसकी बेबसी पे झुकते करके लोगों को सारा ये किस बात की कॉमेडी लेकिन आप गंजे इस पर तो कर सकते हैं ना नहीं नहीं आप करें इसमें आपको और तो बात आती नहीं <laughs> या कॉमेडी मेरे शो में या मेरे गंजेपन पे होती या मेरे मोटापे पे होती है नहीं मोटापा भी तो देखिए आप क्यूट है ना आगा साहब हमें आप क्यूट लगते हैं लेकिन एक बात बताएं आप हमेशा से ऐसे थे या फिर आपने किसी वजह से वेट गेन किया था नहीं नहीं मैं शुरू से ही चबी चबी थे हाँ हाँ बचपन से मोटू सा अगर आप कमेडियन ना होते तो क्या सिंगर होते अच्छा इस फील्ड में मैं आया एज ए सिंगर था अच्छा इस फील्ड में मैं ड्रामों से पहले भी हाँ? जब ड्रामा ये थिएटर हाँ हाँ ड्रामे से पहले मैं एज ए सिंगर आया था अच्छा गाना गाने के लिए गाने का शौक था मेरे वहाँ मेरे बड़े नाम पर उस्ताद थे उस्ताद करीम बख्श खान साहब सीखा है आपने वो इंतकाल कर गए नहीं सीखा नहीं मैंने कुछ दिन अच्छा। ऐसे उनकी सोबत में मत... मैं रहा उनसे पूछने गीचने के चक्कर में लेकिन वो हुआ नहीं असल जो था वो ये था कि मैं ड्रामा करूंगा आर्टिस्ट बनूंगा मैं ये करूंगा कि मतलब कहीं भी बैठे हुए नहाने भी गए तो सामने शीशा लगा तो उसमें देख के देख लगा तुम मैं <laughs> तो <तूंकी। laughs> ये ऐसे बात हाँ। तो... कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पे किसी के साथ कोई मजाक कर दिया वो गले पड़ गया हो किसी ड्रामे में या किसी ऐसे ही किसी बंदे किसी पुलिस वाले के साथ गलती से को मजाक कर दिया और वो गले पड़ गया या किसी बदमाश को आपने कुछ कह दिया नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ अच्छा मैं आपको एक आज बात बताऊं ये जितने भी लोग हैं हां पुलिस में हो जाएं बदमाश हो जाएं कुछ आप सच्ची मुच्ची ये लोग इतना आर्टिस्टों से प्यार करते हैं हां कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं कहीं भी आप चले जाएं बीमार आ, सलीम अल बेला साहब शायद उन्होंने आपको ये वाक सुनाया नहीं मोटरवे पे हम लोग जा रहे तो पीछे जान और सहबा, आगे मैं और सलीम अल बेला दोनों आगे पीछे गाड़ी इस्लामाबाद जा रहे हैं चोर था तो हम ओवर स्पीड थे मुझे और सलीम ने उन्होंने रोक लिया जैसे ही हम लोग रुके तो वो कहता है ऐसे देखा उसने तो आगा साहब सलीम साहब को मेहरबानी करो यार अपने मेहरबानी करो अम्मी सामाया ना करो हाँ। तुसी बड़े कीमती लोग हो तुम देखो किस स्पीड से जा रहे हो ये बोल सॉरी यार हम लोग आगे निकल गए पीछे साहब और रैम्बो वो भी स्पीड में थे क्योंकि हमने शो पे पहुंचना था जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने उसे सात सौ रुपए का चलान कर दिया हम भेरे जाके रुके तो चाय पीने लगे रैम्बो का ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲੋਗ ਹੋ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਗੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਨ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੈਂਬੋ ਕਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ मैंने शो में कह दिया मैं क्या तू छ यार सानू दे दे ना, दे दे ना। देता जी, मैं तेन साढ़े सात तेन पाकिस्तान प्यार करते बाकी फैंस की जो बात है कि इसी तरह इस्लामाबाद जा रहे थे तो मैंने रास्ते में वो मेरा भाई है गुड्डू वो गाड़ी चला रहा था मैंने उसको कहा कि यार इधर रुको

तो फैसला बात मेरी ताई का इंतकाल हो गया तो मैं यहाँ से निकला लाहौर से हाँ। मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा जनाजे पे गाड़ी गुडू ले के भागा मैंने उसको कहा मैंने कहा गुडू जल्दी कर जब पहुंच गए थे अब वो उसका मेरा बहुत गाली गलोज तक का मजाक है वो मेरे ताई का बेटा तो।, तो मुझे पता था उसको भी पता था कि ये पूरी आइटम है हाँ। तो वो दरिया शरिया बिछी वहां बैठा हुआ मैंने जाकर गाड़ी रोकी उसने देखा कि ये आ गया वो बजाय इसके कि वो मेरा वेट करता वो उठ के तो मेरी तरफ चल पड़ा हाँ। कि मैं इसको पहले ही रोक दूं कि कोई ऐसी हरकत ना करना, लोग बैठे हुए, क्योंकि इसने बाज नहीं आना अब मैंने उसको वहां भी डाली तो रोने लग गया मैं क्या यार कोई गल हौसला कर, कोई नहीं अल्लाह पा खैर करेगा मैं क्या कोई सदा मां बाप तो किसी नाल नहीं रहे मैं क्या

नहीं मैं वो जानना चाहती हूँ होशियारिया तो चली रहा है माशाल्लाह और टॉप रेटेड शो है है हमारा लेकिन साथ सिटकॉम अभी आप लोगों ने शुरू किया शुर तो, तो, हाँ। तो क्योंकि वो तो एज ए प्रोड्यूसर हारून साहब तो उसके प्रोड्यूसर है नहीं हम्म पहली बात मैं आप पे

इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा लोग उसका भी बड़ा एंजॉय करेंगे बड़ा आपने अभी बड़ा तक जितने एंकर्स के साथ काम किए जितने टीवी चैनल्स पर काम किया है उसमें हारून साहब और एआरवाई कितना मुख्तलिफ पाया आपने नहीं उसमें देखें पता क्या है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमने मैंने जाती तौर पे मैं किसी और आर्टिस्ट का नाम नहीं लेता मैंने ذاتی तौर पे मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन शोज का इवन टेलीविजन का कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उस, उससे पहले तक तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आफताब साहब थे उनके साथ मैंने काम जब किया ये सच्ची बात है कि मैंने जो कुछ सीखा जो कुछ मुझे आता है थोड़ा बहुत वो मैंने उनसे सीखा आ, उसके बाद अल्लाह पाक की कर्म नवाजी के बाद आज जिस जगह पे हूं इसमें बहुत बड़ा हाथ उनका उन्होंने बड़ी मेहनत की उन्होंने मुझे बड़े बड़े अच्छे रोल करवाए ये वो बड़ा इज्जत कितनी लंबी जर्नी हाँ तो जहां तक है कि किसी एंकर के साथ आपका कम्फर्ट लेवल वो म, मतलब अरुण साहब के वो लगते ही नहीं है कि वो हमारे जब सीट पे बैठते हैं तो वो एंकर है उसके अलावा वो हमारे साथ अच्छा बुरा सारे मजाक करते हैं ओपनली आप कोई भी बात उनसे कर सकते कोई भी दोस्तों की तरह भाइयों की तरह आ, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं सलीम की बड़ी इज्जत करते हैं बाकी आर्टिस्टों की जिस जिस तरह सारे आर्टिस्ट हैं किसी से वो फर्क नहीं रखते फिर आप लोग भी देखते हैं उनको कैमरा के, मैन जितने हमारे टेक्नीशियन जितने वो सबके साथ मतलब जब भी डाल के बड़े प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं कभी ये नहीं म, लेकिन आफ्ताब साहब का थोड़ा सा ये था कि वो जब एंटर होते थे तो उनके जो सबॉर्डिनेट थे वो इधर हो जाओ साहब आ गए उधर हो जाओ साहब आ गए साइड पे हट जाओ साहब आ गए वो साहब को इस बात की खबर ही नहीं कि मेरे प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है

15 बीस मिनट आधा घंटा जो सेटिंग होती है हाँ। शो से पहले वो जरूरी होती है वो जरूरी होती हाँ। है उसका नहीं होता। उसका मजा लेने के लिए हाँ। कि यार हारून साहब आ जाएं हां फिर वो चाय वाय बिस्कुट ये वो दिमाग खुलेगा मजाक मजाक होता है हां जी बाकी हारून साहब एज़ अ मैन तो या इज अ जेम पर्सन बहुत आला लेकिन एज़ एनकर इस वक्त मैं अपने डिगर शोज़ में भी मैं कह चुका हूं

<laughs> पता उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है मैंने कहा दर्जी होता मैंने कहा क्या उनमें इतना पोटेंशियल था कि वो एक बहुत बड़े डिजाइनर कहते हैं बहुत तेज है बहुत बड़ा डिजाइनर होता नहीं मैं तो मतलब अब चाय वाला कहाँ तक चला जाएगा <laughs> रेस्टोरेंट्स की चेन बना सकते हैं ग्लोबली नहीं 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 नहीं, नहीं इतनी अच्छी तो, चाय नहीं बना नहीं नहीं है तो फिर भी चाय ना हम्म है तो चाय ना वो उसकी मुंह अंदर चला गया उसकी सिर्फ वजह क्या है कि वो जो चाय चेक करता था ना जब हाँ। थोड़ी सी यहाँ उसकी वजह से अंदर अंदर गया गया हो गया। और नासिर चिनोटी नासिर चिनोटी एक बेहतरीन दोस्त अच्छा जिसे कहा जाए लेकिन प्रोफेशनली वो क्या कर रहे होता है प्रोफेशनली उसका जोड़ को ही कोई नहीं वो इतना प्रोफेशनल आदमी है कि वो आपको लताड़ के निकल जाएगा नहीं बट अगर वो कॉमेडी ना कर रहे होते तो तांगा चलाता था अच्छा उनकी भी एक इस तरह की तो अल्लाह ने उसको बेशुमार दिया कहता है मैं दुआ किया करता था की या अल्लाह मेरा अपना टांगा हो जाए ना बस हाँ ये टांगा दे दे लमिया तो मजा आ जाएगा कहता वो जो वो छांटा पकड़ के हाँ। तो वो मैं उसके व्हील में देता था ना जो कर 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 करता वो उसका बड़ा मजा आता था ये घर से जाता था फर्नीचर का काम करने तो अल्लाह जी ने करे हमारी माँ मुझसे बड़ा प्यार था उन्हें मुझे भी उनसे बड़ा प्यार था तो वो बड़ी ही नफीस जनती औरत थी वो रोटी बांध के ना इसको रुमाल में देती थी के उनके हिसाब से ये फर्नीचर के काम पे गया हुआ इसका एक आगे बंदा था जो तांगा चलाता था हाँ। तो इसके वो रोटी जो है ना वो उसके आगे वो ऐसे करके देखा होगा एक सरिया सा लगा होता है ऊपर थी। ठीक है ना हाँ। उसके साथ रोटी बांध के तो इसने छोड़ देनी तो आगे बैठ के तो वो बंदा ये बैठा हुआ आ, ये तांगा चला रहा है नहीं। आ, वो कर, 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 हड़े, तो कहता है ने इतना करम किया है आ जी अब तो अल्लाह माशाल्लाह एक बेटा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सिडनी में पढ़ रहा है वो खुद भी बाहर चले गए यही नहीं यही है तो एक बेटा सिडनी में पढ़ रहा है छोटी बेटी जो है उसका दाखला हो गया वहीं सिडनी में वो भी जा रही है पढ़ने के लिए तो पीछे एक बेटा रह जाएगा तो वो कहता है आस्था भी, को भी उसको भी ऑस्ट्रेलिया में सेट कर दूंगा फिर कहता तुम और तू और मैं दोनों रहेंगे इकट्ठे हम पाकिस्तान में, हाँ में। ये चले जाएंगे हम फिर कभी कभार साल छह महीने बाद चले गए महीना एक रह के वापस आ गए फिर तू और मैं इकट्ठे रहेंगे ये चले जाएंगे बाहर अब उसने ये प्लान किया हुआ सरदार कमाल क्या होते हैं सरदार कमाल साहब ऑलरेडी गुजर फैमिली से उनका ताल्लुक है हाँ। वो तो अगर सरदार साहब आर्टिस्ट ना होते तो हाँ। डेफिनेटली वही कोई भाना शाना होता उनका हाँ। मजे लेके फिर रहे होते हाँ। दूध शूद निकाल रहे और क्या और अब आपके फेवरेट अयूब मिर्जा हाँ अयूब मिर्जा अगर आर्टिस्ट ना हो बल्कि <laughs> यही जानना चाह रही हूँ क्या तुछ मैं कह रहा हूँ कि अगर आर्टिस्ट ना होते <laughs> नहीं बेचारे तो क्या करूँ बेचारे तो तो गाइड करें ना क्या प्रोफेशन चूज करें वो उनके लिए क्या बेहतरीन है मैंने उनको अभी ये बात कही है आज भी मेरी बात उनसे हो रही थी मैंने कहा मैं यही कोई दुकान शुकान देख के हाँ। तो उसपे कोई लाख दो लाख रुपया लगा के ना कोई परचून की छोटी मोटी दुकान लेकिन मैं क्या वो उदज भी तन जाने ने क्यों उनकी एक आदत है कि आप उनके साथ आप वो आपको कोई चीज पकड़ाएगा ना यू करके हाँ जी तो आपको पकड़ा के ना तो एक दफा यूं आपके हाथ जरूर हाँ, ताली बना के भी यूं करते हैं यूं यू कर क्या करेगा दूसरे का हाथ पकड़ के ना हुँ. कोई चीज पकड़ा रहा है ना आपने हाँ. वो शॉपर पकड़ लिया तो उसने आपका हाथ पकड़ के यूं जरूर करना है ये क्यों करते हैं पता नहीं उसके जेनी तो मैंने कहा ये ये, ये भी काम खराब हो जाएगा कि किसी ने तुम्हें कहा कि किलो ए, चीनी का एक किलो तो। चीनी दे दो कोई जाने मोहल्ले में दड़ा दड़ के जी मेरा हाथ पड़े चीनी दे लगे है वैसे हाँ ये सिर्फ ये बीमारी नहीं है ये दरवाजा खोलेगा आप अंदर बैठे ना आपको पता चल जाएगा यो मेरे आ गया हैंडल को पकड़ के कड़क 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 फिर दरवाजा थोड़ा सा खोल के कड़ा कड़ा आगे पीछे कड़ा 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 <laughs> ये यहाँ बैठा हुआ है हाँ. अच्छा खाता बैठा हुआ उठ के वहां चला जाएगा दरवाजे में वहां खड़ा इधर देख रहा में फिर इधर आ गया फिर इधर चला गया बैठेगा नहीं हुँ. मैंने उसको कहा एक घंटा एक जगह पे टिक के बैठ जा हुँ. जो कहेगा मैं दूंगा शर्त लग गई बैठ गया लो जी बीस मिनट में नहीं निकाले उसने उठ गया वो उसका सिलसिला को और है वो और अब है। मेरे पास वो प्रॉप्स नहीं है वो होते तो मैं आपको आइट में करके दिखाता उसकी <laughs> कि वो पानी कैसे देता है किसी को और जो चीज आप ने उससे मांगी है ना हाँ। वो उसने आ, सालन आपने उसको उससे मांगा ना कि मेरे पे डोंगा पढ़ाना वो समझ लो कि आपके ऊपर है गिरेगा ही गिरेगा गिरेगा ही गिरेगा है उनके और खुद उसके मतलब यहाँ बैठा हुआ खाना खा रहा है तो उसने यू करके किया तो ये इतना सा दही हाँ। उसके यहां गिरा है हाँ। तो उसको टिश्यू के साफ कर खाना खा के बाहर निकल गया मैंने इन सबको बताया मैं क्या अब ये अंदर आएगा इस जगह इसके दही गिरा है हाँ। यहां तक नीचे तक ये कमीज इसकी गिली गिली होगी।, होगी दस मिनट बाद वो अंदर आया यहाँ से लेके यहाँ तक कमीज गीली थी हाँ, पूरी धोने के चक्कर में सारी आ, गीली कर मैंने कहा ये क्या किया करे साबुन सब तो क्या है <laughs> पूरी कमीज यहाँ तक धोई हुई है हाँ, तो हाथ धोएगा यूं करके टूटी खोल दी फिर बंद कर दी फिर खोल के पहले टूटी पे पानी डालेगा यू <laughs> फिर थोड़ा सा साबुन लगा के टूटी को लगाएगा यूं टूटी यूं यूं, 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 यूं यूं करके फिर रख के फिर टूटी पे पानी फिर टूटी बंद करके फिर वापस आ गया हाँ। दरवाजे के पास है याद आया फिर चला गया फिर टूटी खोल ये पता है ये बहुत सीरियस बीमारी है इसका उन्हें इलाज कराना चाहिए उन्हें एंगजाइटी वो शदीद इस वक्त शिकार है ना ना उसको तो मोटरसाइकिल पे आया ना ये मेरे दरवाजे के आगे उसने मोटरसाइकिल आ रसूल रोकनी चाहिए ना चार घर पीछे मोटरसाइकिल बंद हो गई ब्रेक मार दी कुछ हो गया उसने वहीं खड़ी कर दी है खत्म वहां से पैदल इधर आ गया क्यों बस रोक गई तो रोक गई आगे जाके रोक गई तो आगे बंद वहां लॉक कर दिया और दुनिया की आखिरी माड़ी मोटरसाइकिल जो है ना वो उन्होंने रखी हुई है वो उसके पास है तीन ताले हैं वायर लॉक भी लगाता है साइड लॉक भी लगाता है ठीक है जी हाँ। और वायर लॉक जो है वो आगे पीछे है हाँ। अगले व्हील को भी पिछले व्हील को भी, भी है ना में मैं क्या मिर्जा ए मोटरसाइकिल अगर तू किधरे खड़ी कर देवे ना क्या प्लान है के मतलब जब हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे अपना आप, आप वो जो टाइम होता है मी टाइम जब आपका शुरू होगा वो कैसे गुजारेंगे किसी बीच पे जाके घर ले लेंगे पहाड़ों में चले जाएंगे कुछ सोचा होता ना इंसान ने नहीं अभी दुआ करो कि ऐसा हो अल्लाह करे इतने पैसे अल्लाह मियाँ दे दे बीच पे जाके घर लूं और ये करूं वो करूं। मेरा जो सच्ची मुच्ची लोग मैं फिर वो कह रहा हूँ कि लोगों का मेरे बारे में बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट मेरा रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो हाँ। मेरे पास बहुत लैविश मेरी जिंदगी हो गाड़ियां हो ये मेरा ऐसा कुछ नहीं है जिस दिन रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा छोड़ूंगा फिर दो साल पांच साल दस साल बीस साल जितनी जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में दबाऊंगा अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और एक बात मैं अपनी भाभी के लिए यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक दफा मैंने आगा साहब से कहा कि आगा साहब जो थिएटर के लोग होते हैं मैंने देखा है बहुत ही रंगीन मिजाज है किसी की दो शादियाँ किसी की तीन शादियां किसी की चार अगर शादियां नहीं तो चक्कर ही चक्कर लेकिन आप पे मैंने ऐसी कोई बात नहीं तो 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 ये जुमला मैंने यूं कहा हुआ कि जिसने मेरे सैकड़ों पे गुजारा किया आज मेरे लाखों का मजा भी उसे लेना चाहिए बिल्कुल बेशक उसमें कोई दूसरी औरत शेयर करे फिर मैं उसमें कोई औरत शेयर करे तो उसको बीमारियां लगा दू जिसने मेरे सैकड़ों पे गुजारा किया तो लाखों पे मजे वो याशियां वो करे वो सिर्फ सोच सोच के बीमारियों का शिकार हो जाए उसको जो पैसे दू उसकी दवाइयां आ ऐसा क्यों है उसको इंजॉय करना चाहिए मजे से और फिर अल्लाह पाक का खुदा बंदी है, शादे है कि सबसे अफजल सदका जो कहा गया कि सबसे अफजल सदका बीवी और बच्चों पे खर्च करना बेशक इससे बड़ा सदका कोई नहीं हम कि मैं ढूंढता फिर कि यार मैंने सदका देना किसे दूं किसे दूं तो मैं बीवी को दे दूं मैं को जा कपड़े बना ले हम बोला बाग ने तो कह दिया लोग ना मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर मैंने जाते-जाते आपसे गाना ना सुना वे, कोई वे, दो लाइनें सुना दें लोग खुश हो जाएंगे वरना मुझे कमेंट्स में ये आने कि गाना तो सुन लेती गाना मैं क्या सुना दूं ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ আজকাল ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗਾਤਾ ਰਹਤਾ ਹਾਂ ਅਕੀ ਦਸਾਂ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਅਕੀ ਦਸਾਂ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ ਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ हकी दसों रोग मेनू एड़ा लग गया थैंक यू सो मच साहब अब हमारा मटन इंतजार कर रहा है कह रहा है कि हमें आ, खाओ तो अब हम खाना खाएंगे एंड आई लव्ड हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू बहुत मजा आया थैंक यू वेरी मच जी मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि इरजा मेरी छोटी बहन है इसके चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये हमारी एफर्ट्स अच्छी लगी हो तो इसे बहुत सारे कमेंट्स करके बताइएगा और अगर कोई गलती हो कोई ऐसी बात आपको हमारी बुरी लगी हो तो उसे अब मैं कबल वक्त आपसे सॉरी करता हूँ इन उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू और यहाँ पर हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म कर रहे हैं और मैं भी आपसे गुजारिश करूँगी कि आगा माजिद साहब ने भी अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है और बहुत ज़बरदस्त लॉग्स बन रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है तो आगा माजिद ऑफिशियल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू